गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंजू मैम, योर EVS टीचर फ्रॉम SP पब्लिक स्कूल कटराथल। स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नेम है वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पानी को हम किस काम में लेते हैं और पानी हमारे पास कहाँ कहाँ से आता है, तो इस चैप्टर में पोएम के थ्रू हम इसको रीड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आप भी साथ साथ में बुक को ओपन करो और पेज नंबर निकालो 25। तो स्टूडेंट्स, चलो हम रीड करते हैं इसको। वाटर इज एवरीवेयर, यानी वाटर जो है वो एवरीवेयर हमें प्रत्येक जगह पर मिलता है। इन द पॉन्ड, लेक, सी, ओशियन एंड रिवर्स। वाटर में कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? देखो, पॉन्ड तालाब में, लेक झील में, सी समुद्र में, ओशियन महासागर में, और रिवर यानी नदी में भी हमें क्या मिलता है? पानी प्राप्त होता है। इट फॉल्स एज रेन ड्रॉप्स, और यह है रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदों के रूप में भी कहाँ गिरता है? अपने पास यानी ज़मीन पर गिरता है। तो ये रेन ड्रॉप्स के रूप में भी वाटर हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो, एंड समटाइम्स एज आइस चंक्स, और कभी कभी क्या होता है कि ये आइस चंक्स यानी बर्फ के टुकड़ों के रूप में भी पानी हमें प्राप्त होता है। इट इज एवरीवेयर इन एयर, और यह है प्रत्येक जगह यानी हवा में, एयर में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर यानी पानी पाया जाता है। कैसे? प्रेजेंट एज वेपर, यानी ये गैस वाष्प के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। कहाँ पर? यानी एयर में, हवा में। कैसे पाया जाता है? कि ये वाष्प की बूंदों के रूप में हमें उपस्थित रहता है, ये दिखाई देता है। बट वी नीड इट एवरी टाइम, लेकिन स्टूडेंट्स इस पानी की हमें प्रत्येक समय ज़रूरत रहती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वाटर की हमें किस लिए ज़रूरत होती है? पीने के लिए। किसकी ज़रूरत होती है? जैसे कि आप क्या पीते हैं? पानी पीते हो। वी नीड वाटर टू बाथ, और नहाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस वाटर फ्रॉम द वाटर टैप, और ये पानी हमें अपने घरों में वाटर टैप के माध्यम से प्राप्त होता है। वी नीड वाटर टू वॉश क्लोथेस, और हमें पानी की किस लिए ज़रूरत होती है? कपड़े धोने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। एंड यस, वी नीड इट टू क्लीन आवर हाउस, और यहाँ तक कि अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स देखो, डू वी नीड वाटर इन द किचन, क्या हमें किचन में भी पानी की ज़रूरत होती है? हाँ तो स्टूडेंट, यस, सो मच ऑफ वाटर टू कुक, भोजन जो हम पकाते हैं उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। एंड डू द डिशेज टू मेक देम ग्लिसन, और जो बर्तन हम साफ करते हैं उनको चमकाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। डू वी नीड वाटर इन गार्डन, क्या गार्डन में पानी की ज़रूरत रहती है? हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, यस, टू वाटर द प्लांट्स वी नीड इट अगेन, यानी बार बार हमें अपने जो प्लांट्स होते हैं उनमें पानी देने की ज़रूरत होती है। इसलिए पानी की हमें हर जगह, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए, मतलब हर जगह पर हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, वी नीड सो मच वाटर, हमें बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है। वी यूज सो मच वाटर, और हम इसका बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं इस पानी को। सो वी नीड टू सेव इट, इसलिए हमें क्या करना है? पानी को बचा करके रखना है, पानी हमें बचाना है। और वन डे ऑल वाटर विल वैनिश, अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी गायब हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा करके रखना है। अब देखो, ये पानी हमें कहाँ कहाँ से कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में तो आपने देख लिया। अब अपने गांवों में या अपने घरों में ये पानी कहाँ से आता है? देखो स्टूडेंट्स,
इन विलेजेस देर आर वेल्स ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स, यानी गाँव में ये वेल्स कुएँ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स के थ्रू हमारे पास अपने घरों में पहुँचता है, जो कि पानी के एकमात्र सोर्सेज पाए जाते हैं। वी शुड ड्रिंक ओनली फिल्टर्ड वाटर, हमें केवल फिल्टर्ड वाटर ही पीना चाहिए, और एक जो बॉयल हम पानी करते हैं उसको भी पीने के काम में ले सकते हैं, ताकि उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बॉयल करने से और पानी को फिल्टर करने से। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने इस चैप्टर में वाटर के बारे में रीड किया, तो वाटर को आपको क्या करना है, बचा करके रखना है इसको, जैसे आपको फालतू में पानी को नहीं बहाना है, नल वगैरह खुला नहीं छोड़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।